गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग बच्चों सर आज रिवाइज शेड्यूल के अंदर दिखा नहीं रहा क्लास मेरी क्लास दिखा नहीं रहा नो no, सर रिवाइज शेड्यूल में आज ही आया तो तभी मैं कहूँ कि बच्चे कम क्यों आए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ है ना वही सर यहाँ पर रिवाइज शेड्यूल टेंथ टू तो थर्टीन फेब आया है वो सर आज की क्लास उसमें दिखा नहीं अच्छा <coughs> 10 टू 13 और आज कौन सी तारीख है सर आज नाइन है तो नाइन तो तक तो सेम ही होगा ना सर तो तब बच्चों को नहीं पता ना हम्म hmm. नहीं उसमें हर दिन तो दिखा डिफरेंस तो है उसकी हेडिंग में 9 टू 13 लिखा हुआ है ना अच्छा मैं समझ गया हेडिंग में 9 टू 13 है ओके okay. तो इसलिए वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बिल्कुल सही है यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट 1 सेकंड मैं शेड्यूल टीम से बात करता हूँ मुझे दो मिनट का समय दीजिएगा ठीक है अभी ज्वाइन कर मैंने बोला है अभी थोड़ी देर में कुछ बच्चे ज्वाइन कर लेंगे कोई बात नहीं ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन जिन भी बच्चों ने मुझे दी lot, है ना ताकि मुझे पता चल गया आप लोगों के स्कूल का भी कुछ चक्कर शुरू हो गया ना प्री बोर्ड वी बोर्ड का yes सर ऑफलाइन yes, हो गई क्लास का ही था अच्छा साइंस का था ऑफलाइन हो गई क्लास सर यस सर तो क्या ऑफलाइन में आज पहले इतने दिन बाद गए तो स्कूल वालों ने क्या समोसे समोसे खिलाए कि नहीं खिलाए पेपर ही लिया उन्होंने तो क्लास थोड़ी ना लिया अच्छा जाते ही धमाका कर दिया है पेपर लेके ठीक है अच्छी बात है नहीं नहीं सर वो तो दो हफ्ते कि हम ऑफलाइन ही लेंगे पेपर अच्छा आप लोगों के प्री बोर्ड है अभी टर्म टू के यस सर यस सर सिलेबस हो चुका है स्कूल्स में अभी वो मैसेज कर रहे हैं कुछ बच्चे और ज्वाइन कर लेते हैं मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी का नुकसान हो तो दो मिनट में शुरू करते हैं पहले अपन मैंने जो आपको दो शीट्स दी थी उनके डाउट्स ले लूंगा और आज इस वीक में अब शायद क्लासेस इसलिए कम कर दी

ओके okay. चलो अभी धीरे धीरे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं सुमेधा आ गई अश्विका आ गई हरिहन आ गया अब उनके अंदर आ रहा है अच्छा आज मैं ग्राफ्स के बेसिक सिखाऊंगा आपको अभी मैं जो असाइनमेंट है वो अगले वीक में मिलेगा और अगले वीक एक और क्लास होगी उसमें मैं खत्म कर दूंगा हाँ हाशिम अभी हाशिम अभी थोड़ी देर बाद ले लेना अटेंडेंस क्योंकि अभी तो बच्चे कंफ्यूजन की वजह से कम आए ना हाशिम ठीक है हाशिम ठीक है या कुछ तुम देखने आए तो चेक कर लो चलिए मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को ओके yes, okay. तो पहले ये असाइनमेंट नंबर फाइव था तो असाइनमेंट नंबर फाइव में आप मुझे बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर वन सर हैव वी डन नहीं कुछ भी नहीं किया अश्विका अभी तक तो मैं चाय पी रहा था बातें कर रहा था बस ठीक है मैं वेट कर रहा था क्योंकि ड्यू टू सम कंफ्यूजन यू गाइस जॉइन लेट दैट्स व्हाई आई वाज डूइंग डिस्कशंस ओनली ठीक है अभी कुछ भी नहीं है पहले आप पहली काम की चीज शुरू कर रहे हो ठीक है हाँ भाई एक क्वेश्चन नंबर वन से लेके फाइव तक अगर डाउट नहीं है तो नो no डाउट लिख दीजिएगा डाउट है तो डाउट का नंबर लिख दीजिएगा है ना वेरी गुड बहुत बढ़िया आयुषी लिपिका और बच्चों का जिन बच्चों ने काम किया है हाथ खड़ा करेगा प्लीज रेज योर हैंड हाउ मेनी ऑफ यू यूल दिस ओके ठीक है अपने डाउट पूछने में बिल्कुल शर्माना नहीं है यू शुड आस्क एनी डाउट यू हैव है ना वेरी गुड शाबाश वीनस अभिनव आयुषी भव्यांशी तन्मय अश्विका लिपिका कार्तिक नो दिन्हों, जिन्होंने रेस्पॉन्ड भी किया है कोई नहीं क्वेश्चन नंबर सिक्स से लेके टेन तक क्वेश्चन नंबर सिक्स से लेकर टेन तक जो हमारी असाइनमेंट नंबर फाइव में बात कर रहा हूँ मैं अभी छः पे भी आऊंगा क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर टेन डन है Yes, okay. बहुत बढ़िया सबाश बहुत ही बढ़िया चलो एक बेसिक लेवल पे जो मेरे को आप सिखाना था आई एम सो हैप्पी कि यू गाइज आई आर डूइंग ग्रेट क्वेश्चन नंबर इलेवन इलेवन हो गया होगा राइट right? है ना यस सर यस क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कुछ क्वेश्चंस मैंने क्लास में भी डिस्कस कर लिए थे इनडायरेक्टली क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करना भी सिखा दिया मैंने आपको राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर सारे के सारे स्टॉक क्वेश्चंस थे जो आपने हमें पाए थे हाँ ठीक है तो आई होप दिस असाइनमेंट इज डन जितने लोगों का ये पूरा असाइनमेंट क्रिस्टल क्लियर है प्लीज राइट सी इन द चैट बॉक्स विद ऑल डाउट्स क्लियर बहुत बढ़िया आपने है ना तो ये ये पर्पज भी इसका यही था कि जो बेसिक लेवल पे आपको चीजें सिखाई गई हैं उनमें आपकी कितनी होल्ड बन गई है तो आई एम सो हैप्पी कि आपको बेसिक यूनिट्स क्लियर हो गई हैं प्रेशर अब आपसे जब भी आप पढ़ेंगे अपने रेस्पेक्टिव चैप्टर में तो आप यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट राइट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही सब कुछ है ठीक है बहुत बड़े बहुत बड़े बड़े, बड़े चैप्टर्स हैं बट यस दिस इज एक लेवल पे आप काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं शाबाश असाइनमेंट नंबर छ उठा लेता हूँ मैं आजकल है ना एक सेकंड एक एक करके एक सेकंड एक सेकंड अभिनव ने एक पॉइंट किया है अभिनव एक सेकंड अभिनव कह रहा है अभिनव अनम्यूट करना क्या कह रहे हो बेटा हो सकता है आपकी नजर गई होगी लोगों की नहीं गई

पहला वाला क्वेश्चन देखो लोक इतना आसान था कि अपन अभी भी कर सकते हैं हो गया था, था। हो गया गया था सर देखते हैं चलो एक बार यही देखते हैं फटाफट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे पांच मिनट के अंदर लोक टेन एक्स वाई लोक टेन एक्स वाई एक हमने थी नहीं सिखाई थी आपको बताइएगा है ना यस क्या आएगा इसमें जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं दो से ज्यादा मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको इंडिविजुअली लिखते वक्त हम क्या करते हैं ऐड ऐड कर कर देंगे देंगे प्लीज मैं फिर बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बेवकूफी में ऐसे कर देंगे एक्स प्लस वाई को लिख देंगे वो गलत है एक सेकंड एक बच्चा आया तो इसका आंसर ए सही लग रहा है ना यस यस बी तो बिल्कुल गलत है और सी भी गलत है राइट right? है ना बी भी गलत है और सी भी गलत है तो आंसर क्या आएगा इसका ए आएगा इज इट क्लियर बोलिए ठीक है वैल्यू ऑफ लोक टेन वन टू थ्री अरे भाई थ्री छोड़ो हमें तो बहुतों की वैल्यूज आती है हा की ना ठीक है मतलब मैं ये भी निकाल कि वन की वैल्यू किसी के भी किसी भी बेस में वन की वैल्यू में क्या आएगी सारे बच्चे बताओ किसी भी बेस में जीवो। 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 तो एक्स की वैल्यू जीरो आएगी और वाई की वैल्यू हमारे जीरो पॉइंट याद है कि नहीं जीरो पॉइंट थ्री जीरो थ्री की वैल्यू जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन है ना जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन भी याद रखेगा तो चलेगा नियरली जीरो पॉइंट फोर एट उस तरीके से याद रहेगा तो अभी चलेगा

Yeah. दूसरे का प्लस तीसरे का तीसरे right? देखो बिल्कुल है, है। भी उठाने की जरूरत नहीं है. अगला नहीं, अगर जी बेटा जैसे जैसे एक चीज के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में अगर हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो फिर आगे माइनस टू आ जाएगा माइनस टू माइनस लॉक तो वो माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं कर सकते हैं बेटा करेंगे है ना क्योंकि, क्योंकि एक माइनस चीज है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ना फिर और आगे yes, तो पी तो yes, एच तो में कितना चेंज आएगा बहुत ही आसान है पीएच में कितना आएगा सारे बच्चे बताओ पहले पीएच तो टू और बाद आएगी, तो तो में सर आपकी स्क्रीन बीच में बंद हो गई एक बार फिर से शेयर कर दो अच्छा स्क्रीन बंद हो गई एक सेकंड यस सर ओके मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को yes, मेरे को दिख रही है, yes, तो दिख, रही है। yes. तो दिख रही है बट उसमें तो तो उस वो लिखा हुआ नहीं आ तो रहा लिखा हुआ नहीं आ रहा मतलब तो पहले लिखा हुआ नहीं आ रहा था जो माइनस पर आप लिख रहे थे अच्छा 1 सेकंड मैं अभी कुछ लिख रहा हूं बताना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना लिखा हुआ ठीक है वो थोड़ी सी आज हो सकता है थोड़ा चलिए, बता देना मेरे को नहीं तो अगले वैल्यूज आर द वैल्यूज इन ये कैलकुलेट हो गई सारी की सारी सारे बच्चों से yeah, yes, yes, है ना देख लेते हैं पहले लॉक टेन टैन लॉक टेन टैन की वैल्यू वन 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 ये तीन तो निपटाओ पहले है ना सारे बच्चे बताओ अब लॉग टेन पच्चीस सौ पच्चीस सौ की वैल्यू निकालने के लिए आपको पच्चीस गुणा सौ कर दो और पांच की भी पता है और दस की भी पता है तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा यार सारे बच्चे बताओ है ना तो कितने लोगों की तो तो ना कितनी वैल्यू आई इसकी लॉक टेन पच्चीस सौ की वैल्यू आपकी कितनी आई थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फोर आई है is and 3.39 to तो approximately 3. ठीक है तो अब से मतलब कर लोगे ना कितने लोग कर लेंगे लॉकडाउन 2500 की वैल्यू राइट log10 4 10 की पावर 7 की वैल्यू क्या आएगी इसको log10 4 log10 10 की पावर 7 लिख सकते हैं log10 10 की पावर 7 की वैल्यू तो 7 log10 4 log10 4 की वैल्यू 2 log10 2 हां की ना तो अराउंड 7.6 के आसपास आ रहा होगा आंसर इफ आई एम नॉट यस सर यस सर अगले वाला ये ये मैंने जानबूझ के दिया है अब जैसे आप मैं आपको बताता हूँ जब आप आयनिक एन पढ़ेंगे तो पीएच निकालने के लिए यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऐसे आएंगी या कुछ वैल्यूज ऐसे आएंगी पीके के बहुत सारी चीजें आएंगी और माइनस भी लगता है सब में अब इसको सोल्व करते वक्त बच्चा गड़बड़ कर देता है तो आप सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ देखो इसको मैं थोड़ा तेजी से करना सिखाता हूँ आपको क्योंकि ट्वेल्थ में इलेवंथ में आपको ये काम आएगा क्या मैं इसको बहुत तेजी से फाइव माइनस लॉक टेन टू लिख सकता हूँ देखना सारे बच्चे बाद में वैल्यू तो करेंगे यस सर यस सर एकदम थोड़ा फास्ट लिखना सीखो इसको क्योंकि यही सबसे ज्यादा काम आने वाला है तो अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ चलो माइनस बाहर है अभी मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊं तो इसको log टेन 2 प्लस log 10 10 की बार -5 लिख सकते हैं कि नहीं है ना और log 10 2 तो log 10 2 है और ये आ जाएगा -5

थोड़ा बेटर तरीके से फास्टर तरीके से करते हैं ना तो हम जो बच्चे ज्यादा नंबर लाते हैं वो एक्चुअली तो थोड़े स्पीड में भी बेटर होते हैं और उनकी एरर कम होती है बस इनकी दो ठीक है स्पीड को मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बहुत तेजी से स्पीड इंप्रूव करेंगे बट ग्रेजुअली अपनी स्पीड बढ़ाना आपका पर्पज होना चाहिए अगले क्वेश्चन का आंसर टू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सेवंथ का सारे बच्चे बताओ है ना ये बाहर आ जाएगा और लॉग ई की वैल्यून अगले वाला क्वेश्चन बहुत आसान है इसको मैं लॉग टेन थ्री माइनस लॉग टेन ट्वेंटी फाइव लिख सकता हूँ मुझे बताएगा एट्थ वाले क्वेश्चन का का आंसर वन से है। है कि कि वन से छोटा कि है। वैसे ही हम बता सकते हैं कि वन कि नहीं से छोटा छोटा सॉरी सॉरी नेगेटिव नेगेटिव आएगा 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 पॉजिटिव और टेंथ का आंसर भी बहुत ही आसान है माइनस लॉक टेन ट्वेंटी सारे बच्चे बताओ सर सर

शुरुआत के पाँच दस मिनट में भी था और बाद में भी आएगा कितने लोगों को क्लैरिटी है कि इसका आंसर टेन की बार माइनस फाइव आएगा हाउ मेनी ऑफ यू द क्लैरिटी प्लीज राइट सी सी इन द चैट बॉक्स बोलिए ठीक है अब ये देखिएगा मैंने यहाँ से केमिस्ट्री उठाना शुरू किया है राइट दिस इज ट्वेल्थ क्लास में आपका केमिकल कैनेटिक्स एक चैप्टर आएगा और केमिकल कैनेटिक्स में आरेनियस की इक्वेशन आई इलेवंथ में भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाएगा लेकिन मेनली ट्वेल्थ में आएगा और इसमें ये सारी चीजें आएंगी और अभी मैं जब आपको देखो मैंने ऑर्डर भी इस तरह से लिखा है पहले मैंने लॉग पढ़ाया है फिर मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूँ पहले मैं सोच रहा था कि ग्राफ पढ़ा दू ना अब मैं ग्राफ में लॉग भी पूछूंगा समझ गए कि नहीं अब आनंद आएगा आपको ठीक है क्योंकि तो लॉग पढ़ा दिया ना अब लॉग के बाद ग्राफ पूछूंगा और ऐसे ग्राफ भी बनाऊंगा जिसमें लॉगा वाली टर्म भी आए तो आपको ज्यादा आनंद आएगा और आप ज्यादा करेक्ट कर पाएंगे मुझे बताइएगा कि प्रूव करने अपन को दोनों चीजें ऐसी मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए थे दोनों तरफ आप लोगा ले लो नेचुरल लॉग तो जब राइट हैंड साइड पे लोगे तो राइट हैंड साइड पे मान लेते हैं दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं कि नहीं एवरीबडी प्लीज लेट बी नो तो पहले तो इनको लॉग की आइडेंटिटी लगा देते हैं पहली एल एन ए है ना प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई ए बाई अब एल एन ए में तो कुछ नहीं कर सकते इसमें ये जो पावर है बाहर आ जाएगी तो माइनस ई ए बाई आर टी एल एन ई और एल एन ई की वैल्यू कितनी होती है वन क्योंकि एल एन क्या है नेचुरल लॉग है तो क्या आ गया एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी कितने पहला प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया right? और दूसरा प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है कर देंगे. तो ये लॉक टेन के बन गया ये लॉक टेन ए बन जाएगा क्लास में पिछली क्लास में जो याद है एक बच्चे ने पूछा था कि सर इसमें टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइड होगा कि नहीं होगा राइट right?

9, ये भी आएगा ट्वेल्थ क्लास में रेडियो एक्टिविटी चैप्टर है और क्लास में भी आएगा ठीक है, पढ़ा, है तो मुझे बताइएगा कि अगर ये गिवन है ये हम प्रूव कर लेंगे तो ये बताइएगा इसका मतलब आपको एक तरह से एल टू की वैल्यू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री प्रूव करनी है कि नहीं करनी है और हमें पता है कि एल टू को हम टू पॉइंट थ्री जीरो सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं और लोक टेन टू की वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बन जाता है कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है प्लीज अपना नाम लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में प्लीज राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स है ना तो ये भी हमारा प्रूव हो गया और ये सारे फॉर्मुलाज मैंने इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि आपके ट्वेल्थ क्लास में इलेवंथ क्लास में है ठीक है ये क्वेश्चन देखो मैं आपको थोड़ी फीलिंग भी लेके देता रहता हूँ ये वर्क डन का फॉर्मूला है ये आपके फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में भी है और केमिस्ट्री थर्मोडाइनमिक्स में भी है मैं बता रहा हूँ चैप्टर के नाम भी बता रहा हूं आपको की कहा, कहाँ चीजें आएंगे और देखो जहां भी लॉग आ रहा है हाँ की ना अब मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया ये प्रूव करोगे आप है ना ये आइसो प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है अभी के लिए वो दिमाग नहीं लगाना वो तो मैंने दे दिया आपको तो वर्क डन डब्लू का फॉर्मूला डब्लू मतलब वर्क है यहाँ पे ठीक है और मैंने डेटा प्लग इन करवा लिया आपसे एन बराबर क्या पुट करना है टू अब देखो वैसे मैंने आर की वैल्यू दे दी है लेकिन अब मेरे स्टूडेंट्स मैं आइडियली मेरे को आर की वैल्यू नहीं देनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में अब मेरे को सारे बच्चे बताओ अगर मुझे वर्कडन जूल में पता करना है मैंने कैपिटल आर सिखाया कि नहीं सिखाया आपको सारे बच्चे बताओ yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर, yes, अगर वर्कडन जूल में लाना है तो आर की मेरी आर की वैल्यू मेरे बच्चे एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल मोल इनवर्स इनवर्स लेंगे की yes, वैल्यू yes, एट लीटर एटीएम लेंगे बोलो फर्स्ट वन पहले वाला लेंगे हाँ की ना तो कि सर देखो लॉजिकली भी देखते रहना देखो वी टू बाई वी वन ये तो ये तो यूनिट लेस क्वांटिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी सारे बच्चे बताओ लॉक के अंदर जो आ गया आगे यूनिट लेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यस एन की यूनिट क्या है मोल और टी की यूनिट क्या है कैलविन और आर की यूनिट अगर आप जूल मोल इनवर्स कैलविन इनवर्स ले रहे हो तो देखो ये सब कट के जूल रह गया कि नहीं रह गया देखो सारे बच्चे देखो यूनिट एंड डायमेंशन का भी आनंद लेते रहो साथ में हाँ की ना बोलिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यहाँ पे तो मैंने आपका थोड़ा सा फायदा करने के लिए आर लिख दिया लेकिन आइडियली मुझे आर नहीं देना चाहिए था इस सवाल में ताकि मेरी आर वाली चीज की भी आपकी टेस्टिंग हो जाती कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है आई एम ट्राइंग टू से सारे बच्चे बताइएगा ये ऐसे सवाल आएंगे आपके ट्वेल्थ में आर नहीं देगा एग्जामिनर फिर आपको दिमाग लगाना है अगर वही मैं वर्क डन पूछता कि वर्क डन मुझे लीटर एटीएम में बताओ तो सारे बच्चे बताओ अगर वर्क डन में लीटर एटीएम में पूछता तो क्या करते आर की वैल्यू क्या लेते हैं जीरो पॉइंट जीरो बच्चे बताओ क्लियर है कि yes, ना लीटर एटीएम भी तो वर्क डन की यूनिट है जूल के बराबर होता है बोलेगा यार सारे बच्चे बताइएगा कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं है ना ये सवाल आपके अब आएंगे अब यहाँ पे बच्चा गड़बड़ करने लग जाता है ट्वेल्थ क्लास इलेवंथ क्लास में फॉर्मूला सही लगाता है लेकिन उसका गड़बड़ हो जाती है कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है बोलेगा ठीक है अब यानी एन की वैल्यू पुट कर देंगे आर की वैल्यू पुट कर देंगे की वैल्यू पुट कर देंगे बेस e है V2 V1, log E2 है log e को कन्वर्ट करने के लिए इसमें टू पॉइंट थ्री जीरो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं सारे बच्चे बताओ कि ना हाउ मेनी ऑफ यू गोर क्लैरिटी यस क्योंकि हमें बेस ई e में आंसर नहीं पता होता है हमें बेस टेन में पता होता है तो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉक टेन टू और लॉक टेन टू की वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री जीरो सब मल्टीप्लाई करके वर्कडन जूल में आ जाएगा कि नहीं कितने लोगों को समझ में आ गया ईमानदारी से बताएगा हाउ मेनी ऑफ यू मे द क्लैरिटी प्लीज राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स वर्कडन ये डब्ल्यू को डिनोट कर रहा था ठीक है तो मैं डब्ल्यू पूछ रहा था इस सवाल में प्लीज राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स की क्या क्या इस सवाल के इस सवाल से क्या क्या अनालाइसिस निकल के आ रहा है बोलेगा कहाँ कहाँ गलती नहीं करनी है कैसे कैसे वैल्यू प्लग इन करनी है कैसे कैसे डेटा प्लग, प्लग इन करना है राइट यही चीजें सीखनी है बस ये छोटे और, अच्छा और जब आप इलेवन पढ़ेंगे तो आपको रेस्पेक्टिव टीचर समझाएंगे भी कि कैसे मैं अभी लॉग में घुसना नहीं चाह रहा हूँ नहीं तो मैं भी समझा सकता था वहां भी आप समझेंगे नहीं तो इन सवालों को करने का तरीका अगर ये ऑब्जेक्टिव सवाल है मुझे बताएगा कि इस सवाल को करने का अगर आपको लॉग नहीं आता निकालना जो मैंने सिखाया भी नहीं अभी आपको, बट अगर आपको आता है और ऑप्शन दिए मैंने जान बुझ के ऑप्शन दिए हैं तो क्या आप आंख बंद करके इस सवाल को कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यस yes. मैं कहूंगा yes. कि यार मुझे बताओ कि पी एच इक्वल्स टू माइनस लॉग टेन एच प्लस है कि नहीं है yes. यस तो मेरे एच प्लस की वैल्यू बतानी है मैं इस सवाल को ऐसे इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि टेन की पावर माइनस फोर पॉइंट सेवन वैसे तो आंसर ये है लेकिन क्या आपने अभी तक अपनी मैथमेटिक्स में टेन की बार माइनस फोर पॉइंट सेवन का आंसर इस फॉर्म में थोड़ी निकाल सकते हो आप हां की ना सारे बच्चे बताओ टेन की बार माइनस फोर पॉइंट सेवन तो सॉल्व भी करना नहीं आता होगा आपको मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं सारे बच्चे yes, yes. है ना तो वहां फंस गए हम राइट तो एंटी लॉग एक तरीका होता है एंटीलॉग में आप ऑब्जर्वेशन से लेकिन आप लॉजिकली लौ, सोचो अगर मैं एक एक ऑप्शन को उठाऊं अगर मैं ऑप्शन वन को उठाऊं तो ऑप्शन वन की जो पीएच है वो टू से कम होगी कि नहीं होगी टू माइनस लॉक टेन फाइव सारे बच्चे बताओ मुझे सारे बच्चे हवा हवाई काम करते yes, हैं yes, अगर मैं ऑप्शन बी को उठाऊं तो उसकी जो पीएच है वो फाइव माइनस लॉक टेन टू होगी कि नहीं होगी सारे बच्चे बताओ पॉइंट थ्री है तो मेरे को आंसर तो दिख गया ना बी आएगा यार सारे बच्चे बताओ भाई मैं ये एच प्लस पुट करके भी तो pH उल्टा चेक कर सकता हूँ हाँ की ना इसकी जो पी आएगी वो फोर माइनस लॉक टेन थ्री आएगी कि नहीं आएगी सारे बच्चे बताओ फोर माइनस लॉक टेन थ्री का मतलब चार से कम आएगी और हमारा तो चार से ज्यादा आंसर है और इसकी पीएच हमारी फोर माइनस लॉक टेन फोर आएगी कि नहीं आएगी और हमारी तो कितने लोगों को मेरा तरीका समझ में आ गया रिवर्स काम करके हा की ना इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इज इट क्लियर और नॉट सारे बच्चे बताओ वैसे एंटीलॉक yes. एंटीलॉग की टेबल वेबल होती है बट ये मेरे को बेस्ट तरीके लगते हैं कि आप ऑब्जर्वेशन से भी आंसर दे सकते हैं और भी तरीके होते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो मतलब ऐसे भी मैं कर सकता था कि यार पीएच इज माइनस लॉग टेन एच प्लस होता है और पीएच कितना है 4.7 तो माइनस लॉग टेन एच प्लस है तो माइनस लॉग 10 एच प्लस को अगर मैं माइनस हटा दूं फोर पॉइंट सेवन लिखूं तो माइनस फोर पॉइंट सेवन को माइनस फाइव प्लस जीरो पॉइंट थ्री थोड़ा ऑब्जर्वेशन से देखो हाँ की ना ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं बोलेगा अगर माइनस फाइव आ रहा है तो डेफिनेटली टेन की बार माइनस फाइव आ रही है और प्लस थ्री आ रहा है तो लॉक टेन टू की टर्म आ रही है तो लॉक तो टू इंटू टेन की बार माइनस फाइव से आ जाएगा ऐसे बहुत तरीके हैं बट अभी मैं आपको अभी के लिए रिकमेंड करता हूँ जितना मैंने सिखाया कि ऑप्शन से भी हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके काम कर सकते हैं हाउ मेनी ऑफ यू यूर द क्लैरिटी प्लीज राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स कितने लोगों को क्वेश्चन नंबर इलेवन करना आ गया प्लस एन की कंसेंट्रेशन में अगर माइनस लॉगरिथम बेस टेन लगा देंगे तो हम चेक कर लेंगे कि किससे हमारा PHA निकल के आ रहा है जिससे पीएचए निकल के आ रहा है वही हमारा हम काम कर लेंगे जब आप इलेवंथ में पढ़ेंगे तो और आपको तरीके सिखाए जाएंगे तो आप वहां से भी दिमाग लगा सकते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ट्वेल्व में मुझे बताइएगा पहली आइडेंटिटी सही है कि गलत है पहली कई बच्चे सही है सही है Yes, sir. यार, sir, आपने तो जब एक्स वाई वाई कराया था तो बीच में नेगेटिव यहाँ पे तो गलत हो जाता है अब तो मैं इंटू वाला अप्लाई कर रहा हूँ ना लोक टेन एक्स प्लस लोक टेन वन अपॉन वाई राइट नहीं तो जिसको बिल्कुल ही नहीं समझ में आता इसको फर्दर सोल्व करेगा तो लोक टेन वन माइनस लॉक टेन वाई लिख दो ये तो जीरो ही हो गया तो देखो वही बन गया कि नहीं बन गया जो आपको हजार तरीके हैं चीजों को सोल्व करने के मैथमेटिक्स इज सच ए प्लेन थिंग हाउ मेनी ऑफ यू गोर द क्लैरिटी कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है बताइएगा हजार तरीकों से सोल्व कर सकते हो मल्टीप्लाई वाला लगाना है मल्टीप्लाई वाला लगाओ आपने ये लगा दिया उसके बाद दोबारा आइडेंटिटी लगानी है दोबारा लगाओ कोई मैथमेटिक्स को चाहे कान को ऐसे पकड़ो चाहे कान को ऐसे पकड़ो मैथमेटिक्स इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है कि उसमें आंसर हमेशा सेम ही आता है ये मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी ब्यूटी होती है अगला वाला भी सही है कि नहीं है सारे बच्चे बताओ

आपके आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री ट्वेल्थ क्लास में है ना ये जितने भी एक्सप्रेशन आपको लग रहे होंगे ना अजीब अजीब से सर ने क्यों बनाए हैं ये सब आपके थ्योरी का पार्ट है आप सब प्रूव करोगे यू विल प्रूव एवरीथिंग बट मैं देखो हर जगह जहां भी लोग आ रिस्थम हल्का सा भी मुझे दिखा मैंने कोशिश की कि शीट में आपको डाल दूं मैं अब बताइएगा मुझे सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्टीन में हमारा क्या होगा मैंने देखो ई नोट ई नोट एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बाहर में जाए आपको कोई मतलब नहीं है ये भी वोल्ट में आएगा क्योंकि ये v कैपिटल v वोल्ट है n की वैल्यू दे दी h प्लस की वैल्यू दे दी बस डेटा प्लग इन करना था तो e सेल निकालना था e नॉट की वैल्यू कितनी है 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 2 लॉग 10 h प्लस की वैल्यू कितनी है 10 की बार माइनस -3 का स्क्वायर है तो गलती होती है यहां पे हां कि ना सारे बच्चे बताओ स्क्वायर करना भूल जाती है जनता इज इट क्लियर और नॉट तो कितना आ गया ये ई e सेल की वैल्यू कितनी आ गई सारे बच्चे बताओ 1.1 पॉइंट वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो माइनस तीन आएगा कि माइनस छ आएगा आगे सारे बच्चे बताओ सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स और यहाँ बच जाएगा लॉक टेन टेन और लॉक टेन टेन की वैल्यू वन है कि नहीं है तो बस सोल्व हो गया क्वेश्चन हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन थ्री हो गया

ये आपके थर्मोडानेमिक्स में भी आएगा सेकंड लॉ ऑफ में 11th में क्लास और भर भर के आएगा मतलब बहुत ही काम की चीज है तो कर लेते हैं क्या डेल्टा जी नोट मैंने कोई फॉर्मुला दे दिया और प्रूव करना है ये ओ माई गॉड बहुत ही आसान है ना सारे बच्चे बताओ प्रूव करना बहुत आसान है कि नहीं क्यों क्योंकि हम क्या करेंगे भाई लॉक टेन के में आंसर लाना है तो हम लॉक एल ए को लॉक टेन के में कन्वर्ट करने के लिए टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि नहीं यस तो डेल्टा जी नोट अपॉन टू पॉइंट बट माइनस आर टी लॉग टेन के हाँ कितने लोगों को दिख गया ईमानदारी से बताइएगा सारे बच्चे तो पहला प्रूव हो गया कि नहीं हो गया यस yes. और अगली चीज कह रहा है, कि अगर के की वैल्यू वन है तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बताओ ओ माई गॉड के की वैल्यू अगर वन है तो के बोला किसने बोला जीरो की वैल्यू वन है और जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो होता है। कितने को बात समझ में आ रही है आंसर जीरो आएगा की क्या आएगा एवरीबडी प्लीज लेटमी नो वट आंसर आंसर ही बता रहा हूँ फाइनल आंसर दे रहा हूँ मैं भी तो फाइनल आंसर ही बता रहा हूँ और दिमाग लगा लो यार

बेस टेन हो चाहे बेस वन हो चाहे बेस टी हो वट एवर वन की वैल्यू जीरो आएगी इज इट क्लियर बोलिए अब क्वेश्चन नंबर माइनस लॉक टेन है, जब तो रट गया है हमको सर ये कितनी बार दो आप इफ एच प्लस कंसेंट्रेशन इज इनक्रीज मैंने बताया था कि नहीं अगर एच प्लस आइन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो पी एच बढ़ेगी कि घटेगी करके देख लो बोलो सारे बच्चे एच प्लस अगर टेन की बार माइनस पी एच विल डिक्रीज पी एच विल डिक्रीज हाँ की ना अच्छा बताओ की 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 इज बिगर इसका पीएच पीएच है है ना ये बड़े आ रही छोटे की थ्री आ रही है कुछ भी कर लो अभी आप मैथ्स के स्टूडेंट होते पढ़ के रखते तो मैं ऐसी करता बातें अभी नहीं करूंगा टेंशन ना लो ट्वेल्थ क्लास में मोनोटोनोसिटी करके मैथ्स में एक चैप्टर आएगा वहां पे आपको लॉगा उससे पहले प्लेइंग विद ग्राफ्स करके एक चीज आएगी उसमें लॉग के ग्राफ सिखाएंगे आपको टीचर फिजिक्स मैथ्स वाले बायो बायो वालों मेडिकल वालों को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है उनको भी सिखा देते हैं हम ऐसा नहीं है बट लॉग में मैं आपको एक छोटी सी आप अपने तो प्रूव ही कर लिया था जब आप बेस टेन में चल रहे थे तो वन से टू टू से थ्री थ्री से फोर तो वैल्यू बढ़ती जा रही थी कि नहीं बढ़ती जा रही थी सारे बच्चे बताओ हाँ की ना है ना तो लॉग टेन है वैल्यू है अगर माइनस लगा दोगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगी राइट वही चीज हो रही है यहाँ पे क्लैरिटी क्वेश्चन की कैसे एच प्लस बढ़ाने पर पी डिक्रीज होता है बहुत तरीके से आप सोच कितने लोगों को पूरा का पूरा असाइनमेंट नंबर सिक्स क्रिस्टल क्लियर है वेरी इजी एंड बेसिक असाइनमेंट मेरा पर्पज कितने लोगों को पर्पज मेरा क्लियर होता दिख रहा है कितने लोगों को पर्पज अचीव कर रहे हैं जो मैं जिस पर्पज के लिए मैं आप कोई चीजें करवा रहा हूँ कितने लोगों को लग रहा है की हाँ वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो लोगों को लग रहा है कि हाँ कुछ नया सीख रहे हैं एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प आप आप लोगों अपने को और जनता से देखना डिफरेंट फील करोगे वेन यू आर ऑलरेडी नो ऑल दीज स्म स्मॉल थिंग्स चलिए तो आज अपना जो सेशन है आधे घंटे में अपन थोड़ी सी और बातें करेंगे एक सेकेंड रुकेगा मुझे लिखने दीजिएगा हेडिंग लिख लीजिएगा सारे मैं दो सेशन लूंगा इसमें आज का एक और अगला एक अगले में अपन क्लास में ही वो असाइनमेंट कर लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है बेसिक्स ऑफ़ ग्राफ मैं आपको बताऊंगा जो ग्राफ है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्राफ ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और नाइंटी नाइन परसेंट बच्चों को ग्राफ को देख के डर लगता है मैं आपको सही बताऊं 99% बच्चों को ग्राफ को ग्राफ ग्राफ डर लगता है है? है, 11, 12 क्लास में जबरदस्ती का, ठीक और मेरे ख्याल से से अगर कोई क्वेश्चन हो जाता है, तो वो इतना मैं चलो एक आपसे ही एक चीज निकल मैं आपको कुछ कुछ शेप सिखाऊंगा कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिखाऊंगा है ना मैं आपको बेसिकली जो मेरा फोकस है मेरा फोकस जैसे आज तो मैं लाइन पे ही रखूंगा मेरा फोकस आपको लाइन लाइन जानते हो ना सारे बच्चे है ना स्ट्रेट लाइन है ना स्ट्रेट लाइन कितने लोगों ने सुना है स्ट्रेट लाइन है ना वर्ड सुना तो लाइन का तो सिखाऊंगा मैं ग्राफ आपको मैं आपको पैरा बोला भी चलो थोड़ा पैरा बोला की बात कर लूंगा और एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात कर लूंगा न? इसकी तो करूंगा ही करूंगा बेसिकली और इसकी मतलब मेजर पे पैराबोला पे भी सिखा दूंगा अगर आपको लगा तो e की पावर के ग्राफ भी सिखा दूंगा बाद में पर देख लेंगे मतलब मेजर फोकस मेरा स्पेशली लाइन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और थोड़ा सा पैराबोला है ठीक है तो क्योंकि केमिस्ट्री में हमारे मैक्सिमम लाइन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चलो e की पावर वाले भी सिखा दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो है ना है ठीक तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन और फिर इनकी एप्लीकेशन केमिस्ट्री में कैसे कैसे सवाल आते हैं कहाँ कहाँ हम ग्राफ देखते हैं मेरा आपसे सवाल है कि आप जब भी कोई ग्राफ देखते हैं अपनी लाइफ में कितने लोगों ने कोई भी ग्राफ ग्राफ वर्ड सुना है अपने कोई भी दो चीजों के बीच में ग्राफ खिंच रहा है कितने लोगों ने सुना ईमानदारी से तक ग्राफ वर्ड तो सुन के आते हो ना ग्राफ है ना ओके तो जब भी आप ये वर्ड सुनते हैं ग्राफ आपके सामने आपकी नजरों के आगे कोई ग्राफ आता है मेरी इस बात को याद रखना ये आपको जीवन भर याद रहेगी आपकी नजरों के सामने जो ग्राफ आता है तो आप सबसे पहले उस ग्राफ में क्या देखते हैं

वो देखते ही नहीं है कि किन किन चीजों के बीच में ग्राफ है राइट इट इज वेरी इंपोर्टेंट सारे बच्चे अनम्यूट करके बोलो कि ग्राफ में बोलो ग्राफ में ग्राफ में ग्राफ में, सबसे, सबसे, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले ये देखना है ये देखना, ये देखना है, है। कि ग्राफ के ग्राफ ग्राफ के एक्स एक्सिस एंड एक्स 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 एक्सिस वाई एक्स पर वाई एक्सिस पर क्या दिया है क्या दिया है सिंपल भाषा में बोलो बोलो सिंपल भाषा में हमें हमें ये देखना है कि देखना है ग्राफ ग्राफ किस किस क्वांटिटी किस किस एंटिटी के बेस किस किस एंटिटी के बीच में इस किस एंटिटी किस 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 के, के, के बीच में रिलेशन शो कर रहा है ये है। है। पहला काम होता है, जो बच्चा देखता ही नहीं है वो तो रट्टा मार रखा उसने कि ग्राफ अच्छा हो अरे लॉग है कि नहीं है फर्क है है ना ग्राफ में किस किस के बीच में ग्राफ खींचा हुआ है ये सबसे पहला काम करना है कि वाई एक्सिस पे क्या है और एक्स एक्सिस क्या है समझ गए जैसे कि मैं आपसे अगर ये पूछूं अभी मैं कुछ भी नहीं सिखा रहा हूं पहले बेसिक बातें सिखा रहा हूं आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि ये P है ये V है और कई बार तो यूनिट्स भी दी होंगी आपको तो अगर मैं एक ग्राफ खींच देता हूं फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने सिखाया नहीं है वाला ग्राफ आपको कैसा है ग्राफ की शेप अभी मैं सिखाऊंगा डोंट वरी तो पहले सबसे पहले आप क्या देखोगे मुझे बताओ सबसे पहले आप क्या देखोगे एवरीबडी प्लीज मी नो क्या ये ग्राफ बीच में ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में लिख भी देता हूँ प्री प्रेशर है वी सबसे पहले क्या देखोगे सारे बच्चे बताओ क्या एक्स एक्सिस पर क्या है वॉल्यूम वॉल्यूम और वाई एक्सिस पे क्या है प्रेशर प्रेशर, प्रेशर। ये देखो पहले देखो यानी ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है पहले अपन बोलते वक्त ऐसे बोल देते हैं ये पीवी ग्राफ पहले वाई वाले को बोलते वक्त है ना

तो आपको पता नहीं है आपको पता नहीं है मतलब लाइन तो नहीं है ना यार ये बताओ लाइन तो नहीं है ना बस ये क्या ये ग्राफ मैंने जो खींचा है स्ट्रेट लाइन है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है मेरा सिंपल सवाल स्ट्रेट लाइन नहीं है बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट लाइन नहीं है स्ट्रेट <सीण> लाइन तो नहीं है बहुत ही बढ़िया अमेजिंग हाँ की ना वेरी गुड मतलब आपको स्ट्रेट लाइन पता है ओके ग्रेट तो पहले सबसे पहली जो ग्राफ की बेसिक बातें मुझे सिखाने थी कि ग्राफ जो है वो किन किन चीजों के बीच में बनता है अच्छा आपने मुझे बताओ कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की बात करते हैं स्ट्रेट लाइन के ग्राफ और इस बहुत सारी यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में भी बहुत आएगा मैथ केमिस्ट्री में बहुत आएगा मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए आपको मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए टू पॉइंट्स है ना

पक्का सारे बच्चे बताओ यस सर यस सर सर हम फिजिक्स में करेंगे कितने पढ़ा हुआ है मतलब दसवीं क्लास के करिकुलम में है कि नहीं है tan थीटा से स्लोप निकालना और ये सारी बातें यस सर यस यस है tan थीटा स्लोप होता है केशव कह रहे है नहीं है केशव तुम्हारा कौन सा फर्जी बोर्ड है यार और सबको आता है तुम्हें नहीं आता केशव गोयल अनम्यूट करो मेरा सर सीबीएसई है बट उसमें तो नहीं है 11th में होगा बट आ, नहीं 11th में मैंने 11th थर्ड बोला ही नहीं है मैंने तो 10th पूछा है नो no, सर क्या 10th क्लास, क्लास की सीबीएसई में क्या 10th क्लास की सीबीएसई no, में आपको स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ये सब सारी चीजें पता है कि नहीं पता है नो सर सीबीएसई में तो नहीं है हां मैं सीबीएसई में पूछ रहा हूं अब आपने तो आंसर दे दिया मैं औरों से पूछ रहा हूं है ना जिन लोगों ने कोचिंग ले रखी है और उनकी बातें नहीं कर रहा हूं मैं मैं कह रहा हूं कि क्या आपको लाइन का स्लोप पता है कि नहीं पता है लाइन का स्लोप नो सर यस सर जिनको पता है कोई बात नहीं जिनको नहीं पता नहीं, नहीं पता मतलब एक को भी नहीं पता मतलब कहीं ना कहीं सी में नहीं होगा ओके okay, कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलिए पहले अपन लाइन के अच्छा टेन थीटा तो पता होगा ना क्या होता है ठीक है ठीक है ठीक है चलो वो बाद में बात करूंगा अभी पहले मैं लाइन खींच रहा हूँ अभी कुछ भी नहीं फिर तो बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे टेंशन ना लो एक्स <coughs> और वाय मैं आपके सामने लाइन खींच रहा हूं एक ही लाइन खींच दी मैंने पहले मैं इस लाइन की बात करता हूं देखो कभी भी लाइन का स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है इसके लिए क्या काम करना है एक लाइन खींची आपने सारे बच्चे बताओ लाइन खींची कि नहीं खींची है? है ना लाइन दिख रही है अब आप उस लाइन का एंगल निकालो क्या निकालो एंगल अब एंगल कैसे निकालना सर एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है किससे निकालना है सारे बच्चे बताओ एक्स से कि वाई से एक्स 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 एक्सर एक्स एक्सिस से भी सर एंगल दो तरीके से निकल सकते हैं कैसे ये भी एंगल निकल सकता है कि नहीं सारे बच्चे बताओ बोलिए है ना अगर मैं एंटी क्लॉक वाइज आके एंगल निकालू तो भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा एंटी क्लॉक वाइज आ रहा हूँ आ रहा हूँ सारे बच्चे बताओ एंटी anti -clockwise. Anti -clockwise. Anti -clockwise. और कोई सर यहाँ से कुछ दूसरा एंगल निकलेगा आगे ना क्योंकि दोनों एंगल्स का सम 180 होगा कितने लोगों को समझ में आ रही है हाउ मेनी ऑफ यू द क्लैरिटी कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है बोलिएगा तो अब कौन सा एंगल लेना है है वाला एंगल लेना है तो यानी है देख, मैं दोबारा खींच देता एंगल अब आपको क्या दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल 90 डिग्री से कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है सारे बच्चे बताओ कम आ रहा है कम आ रहा है और आप सबको पता होगा कि टेन के फंक्शन में अगर 90 डिग्री तक जो वैल्यूज आती हैं 10 90 को छोड़ दो अभी वो उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है सारे बच्चे बताओ पॉजिटिव 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 भूल गए तो मैं सिखाऊंगा कि 10 की वैल्यूज क्लियर है कि नहीं आपको यस 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 सर कितने लोगों को ये पता है कि क्या लिखते हैं आप इस जीरो नाइन्टी डिग्री एंगल पे नाइन्टी डिग्री तक सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं कि नहीं होते हैं साइन टेन बोलिएगा है ना बोलो yes हैं। से वन एटी yes, 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 डिग्री के बीच में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होते हैं साइन yes, वाला तान क्या साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है साइन वन एटी तक

हाँ ठीक है ठीक है चलो जिन्होंने पढ़ रखा है उनको कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो छोड़ो छोड़ो इतना गहराई में नहीं घुसेंगे अपन सिंपल बात कर लेंगे कोई बात नहीं बहुत बढ़िया आप तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं अगर ये जो एंगल है ठीटा ये लेस देन 90 डिग्री है तो टेन ठीठा पॉजिटिव है इतना ही लिख लो और अगर ये ठीटा ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री है तो टेन ठीटा नेगेटिव पे तो पता है ना आपको क्या होता है टेन नाइनटी की वैल्यू क्या होती है सारे बच्चे बताओ इनफाइनाइट होती है राइट है ना तो ऐसे आ जाएगा है ना तो अगर ये थीटा पॉजिटिव है तो आपका स्लोप स्लोप क्या slope क्या है बोलोगे आप पॉजिटिव लाइन का लाइन का जो स्लोप होता है स्लोप ऑफ लाइन इसको एम से डिनोट करते हैं और वो टेन थीटा के बराबर होता है थीटा कौन सा लेना है मैंने आपको बता दिया है ना इज एंगल फ्रॉम एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस एंटीक्लोकवाइज लेके ना एंगल जो मिनिमम एंगल बनेगा एंटीक् एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन एंटीक्लोकवाइज जाके जो मिनिमम एंगल बनेगा ठीक है तो आप मुझे बताइएगा अब मैं आपसे अगर पूछू मैंने लाइन खींची है इसका स्लोप है पॉजिटिव या नेगेटिव तो सारे बच्चे मेरी इस नॉलेज से आंसर दो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है स्लोप पॉजिटिव वेरी गुड अब मैं कुछ लाइंस खींच रहा हूं आपको बस ये बताना है कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नेगेटिव सारे बच्चे बताओ कि इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नेगेटिव 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 वेरी गुड अगर मैं इस लाइन का स्लोप पूछूं तो बताइएगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है सारे बच्चे बताइएगा पॉजिटिव पॉजिटिव है ना अगर आप एंगल की मतलब चाहे पीछे इस लाइन को पीछे बढ़ा सकते हैं ऐसे ना तो ऐसे देख लो है ना और x एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो आपका एंगल 90 से छोटा आएगा तो स्लोप क्या है पॉजिटिव तो लोग को मार है ना ये तो होगा ना ये प्लस एक्स होता है माइनस एक्स होता है इतना तो पता ना यस yes. सर yes. yes, इस लाइन का स्लोप क्या है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नेगेटिव नेगेटिव लाइन को अगर या तो यही ना, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींच के इसको आगे बढ़ा दे तो ये जो एंगल आएगा लाइन का ये नाइनटी से ज्यादा है 90 डिग्री तो तो स्लोप क्या इसका? Negative. 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 Negative आएगा इसका नेगेटिव 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 आएगा कितने लोगों को दिख रहा है स्लोप पता चल गया लाइन पॉजिटिव स्लैंटेड है कि नेगेटिव स्लोप वाली है यस yes. अगर मानो अब मैं थोड़े और मजे लूं आपसे और मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दूं वन वन क्यों आएगा पागल हो गया जीरो और मैंने बोला कि स्लोप क्या होता है टेन थीटा होता है कि नहीं होता है सारे बच्चे बताओ और दो पैरलर लाइन्स के बीच में एंगल क्या होता है थीटा इक्वल्स टू तो जीरो डिग्री आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चे बताइएगा है ना तो स्लोप क्या आएगा इसका जीरो कितने लोगों को क्लियर है एक्स एक्सेस के पैरल लाइन का स्लोप जीरो आ गया कि नहीं आ गया एवरीबडी प्लीज लेट मी नो कितने लोगों को क्लियर है देख लिया आराम से देखिएगा हाँ कि ना एक्स एक्सेस के पैरल लाइन का स्लोप जीरो आ गया है कितने लोगों को क्लियर है अपना नाम लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में प्लीज राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स है ना क्योंकि तो टेन स्लोप क्या होता है थीटा और एक्सिस के पैरल जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से जीरो डिग्री का एंगल बनाएगी पैरल लाइन के बीच में जीरो डिग्री का एंगल होता है राइट तो स्लोप जीरो हो जाएगा। अब अगला सवाल आपको पता होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूं अगर एक क्या इसका स्लोप वन क्यों होगा केशव कहां से आप पढ़ाई करके आए हो आप यार वन कैसे हो सकता है यार टेन की वैल्यूज वन थोड़ी होते हैं के वन को कितने एंगल पे होता है सारे बच्चे बताओ फोर्टी फाइव पे होता है यार यार yes. पढ़ हो आप वन कैसे आ सकता है जब तक मैं 45 डिग्री का एंगल नहीं खींच रहा हूँ तो बाई मिस्टेक नहीं होता ये दिमाग लगा के काम करो या तो जल्दी आंसर मत दो ये गलत अप्रोच है आपकी जल्दी देने से सिलेक्शन नहीं होगा सही देने से सिलेक्शन होगा समय लीजिएगा और आंसर सही दीजिएगा स्लोप क्या बताया था मैंने सारे बच्चे बताओ टेन थीटा yes, और यहाँ थीटा 90 डिग्री है कि नहीं है सारे बच्चे बताओ हाउ मेनी ऑफ यू द क्लैरिटी तो स्लोप हमारी इनफाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा एवरीबडी प्लीज लेट बी नो कितने लोगों को कितनेट टेन नाइनटी डिग्री इनफाइनाइट होता है कि नहीं मतलब नॉट डिफाइंड ना जो भी है देखेंगे अभी ठीक है मतलब वैसे नॉट डिफाइंड है बट ठीक है इनफाइनाइट बोल देंगे टेन थीटा है ना टेन नाइनटी डिग्री नहीं मतलब इनफाइनाइट तो कोई चीज होती ही नहीं है ना वैसे तो कितने लोगों को क्लियर है हाउ मेनी ऑफ यू गोट द क्लैरिटी प्लीज राइट सी इन द चैट बॉक्स बोलेगा ये बेसिक बातें क्लियर है कि नहीं है ना पहले बेसिक बातें सीखो अभी तो मैं बिल्कुल ही बेस पे आ गया मैं बिल्कुल पढ़ाने के मूड से नहीं आया था बट कोई बात नहीं है ना कई बार आपके जैसे बैचेस में आपकी करंट नॉलेज से हम बिल्ड करते हैं कि कहाँ से शुरू करना है है ना तो अभी मैंने आपको सिर्फ दो बातें बताई हैं बात नंबर वन की कोई भी ग्राफ की स्टडी जब करनी है तो ये देखना है कि एक्स और वाई एक्सिस पे क्या क्या है और दूसरा किसी स्ट्रेट लाइन में स्लोप कैसे निकालते हैं स्ट्रेट लाइन का स्लोप टेन थीटा होता है थीटा क्या होता है वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक अगर आप आ रहे हो तो कितने डिग्री का एंगल बना रही है अगर वो एंगल टेंट थीटा है तो आप टेन थीटा की प्रॉपर्टी पे आप आ जाओगे अगर वो एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव है अगर वो एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव है हाउ मेनी ऑफ यू गोर द क्लैरिटी कितने लोगों को बात समझ में आ रही है अगर एक्स एक्सिस के पैरल लाइन है तो थीटा जीरो है तो टेन थीटा टेन जीरो जीरो अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो इनफाइनेट स्लोप है मतलब इन्फाइनाइट की तो कोई डेफिनेशन होती नहीं है कितने लोग यहाँ तक बेसिक बातें समझ पा रहे हैं हाउ मेनी ऑफ यू गोट क्रिस्टल क्लैरिटी प्लीज राइट सी सी चैट बॉक्स अब मैं इन लाइंस में एक और बात करवाता हूं आपसे तो मैंने एक बात की है स्लोप की सारे बच्चे अनम्यूट करके मेरे से एक चीज मेरे साथ एक चीज बोलो कि लाइन की इक्वेशन में लाइन की इक्वेशन इक्वेशन में okay. आपको, आपको, आपको दो चीजों की जरूरत होती है दो चीज एक तो लाइन का स्लोप एक तो ऑन वाई स्लोप, और एक इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। देखते हैं क्या मतलब है मेरा तो सेकंड में आपको जो चीज दैट इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस यूजा बोलिए जी

और आप एक्स एक्सिस से जा रहे हो तो या तो एंगल नाइनटी डिग्री से छोटा होगा या वन एटी से बड़ा नहीं हो पाएगा आपका एंगल 180 से बड़े में होती है टेन थीटा पॉजिटिव किसने कहा मना किया नहीं होती पॉजिटिव मैंने तो नहीं बोला कि केवल टेन थीटा जब भी पॉजिटिव होता है जब मैंने तो यह बोला है आप बात को यही तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है मैंने ये थोड़ी बोला है मैंने तो यह बोला है अगर थीटा नाइनटी से छोटा है तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये थोड़ी है बच्चों क्या इसका यह मतलब है कि टेन थीटा पॉजिटिव जब ही है जब थीटा नाइनटी से छोटा है नो no, समय तो अभी तो अभी तो थीटा जीरो से मैं थीटा की मैं बात ही जीरो से वन एटी डिग्री के बीच में कर रहा हूं इसके क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है वन एटी के बाद आपको अभी ट्रिग्नोमेट्री में पता ही नहीं है कि तीसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है चौथे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है किस बच्चे ने पूछा था ये क्वेश्चन तो मैंने ये नहीं बोला आप अपनी तरफ से लगा रहे हो मैंने तो ये बोला है अगर थीटा आपका 90 से छोटा है तो पॉजिटिव ले लो मैंने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव है तो 90 से छोटा होगा मैंने कहा बोला वाइस वर्षा भी यही ट्रू है केवल इज इट क्लियर जिस भी बच्चे ने पूछा यस सर ठीक है तो अपनी तरफ से स्टेटमेंट मत लगाओ और मेरे ऊपर मत चिपकाओ कि आपने बोला मैंने तो ये बोला है कि अगर एंगल नाइनटी से छोटा है तो टेन थीटा पॉजिटिव है अगर एंगल नाइन्टी से बड़ा है और यहां पे लिख लो टिल वन ठीक है 180 less, 180 मतलब 180 डिग्री से लेस है ना लाइन आ जाएगी ना ऐसे लिखो लेस देन 180 ठीक है अब और क्लियर हो जाएगा यहाँ 180 भी लिख लेना ठीक है तो मैं बात ही इसकी कर रहा हूँ तो जीरो से वन डिग्री से जीरो से वन डिग्री के बीच में बात कर रहा हूँ तब तो ये वाली बातें लिख रहा हूँ ठीक है इज इट क्लियर टू एवरी ऐसा नहीं है कि नाइनटी डिग्री से बड़े पे हमेशा नेगेटिव होता है कुछ ऐसे क्वाड्रेंट भी आ जाते हैं जिनमें पॉजिटिव भी आ जाता है तभी मैंने आपसे सबसे पहले पूछा

पहले मैं ये मेरे सपोज करो पॉजिटिव एक्स है नेगेटिव एक्स है पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई मैं एक लाइन खींच रहा हूँ दूसरे पेन से कलर से खींच देता हूँ सपोज करो मैंने एक लाइन खींची है <coughs> क्या इस लाइन का स्लोप आपको पता चल रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है सारे बच्चे बताओ x एक्सिस से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो बताओ ये अभी अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार सर अगर ऐसे स्लाइड पॉजिटिव है ऐसे नेगेटिव है कितने लोग बता सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है सारे बच्चे बताइएगा अरे बोलो यार फटाफट पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव स्लोप है आप मुझे बताइएगा ये y एक्सिस को कट कर रही है कि नहीं कर रही है यस यस स्लोप पॉजिटिव और वाई एक्सिस को पॉजिटिव एक्सिस पे पॉजिटिव वाई पे कट कर रही है कि नेगेटिव वाई पे कट कर रही है पॉजिटिव मतलब, इतनी दूरी पे कर रही है कि नहीं कर रही है ओरिजिन से सारे बच्चे बताओ हाँ की ना यस सपोज करो ये डिस्टेंस सपोज अच्छा ये वाला इतना तो पता होगा ना आपको वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट जीरो थ्री है समझ गए? इसका मतलब एक्स एक्सिस से तो जीरो दूरी पे और वाई एक्सिस से प्लस थ्री दूरी पे है कि नहीं? सारे बच्चे बताओ, कितने लोग मेरी yes, 45 डिग्री फॉर एग्जांपल तो मैं स्लोप की वैल्यू भी बता दूंगा कि नहीं कि स्लोप मेरा टेन 45 डिग्री है तो स्लोप मेरा वन है कि नहीं है सारे बच्चे बताओ हाउ मेनी ऑफ यू गोर द क्लैरिटी स्लोप वन आ गया कि नहीं आ गया बोलिए और इंटरसेप्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा अगर वाई एक्सिस पे पॉजिटिव पे काटेगा तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है ठीक है और नेगेटिव पे काटेगा तो इंटरसेप्ट नेगेटिव मुझे बताओ इंटरसेप्ट प्लस थ्री होगा कि नहीं होगा इसका एवरीबडी प्लीज लेट मी नो कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि ओरिजिन से वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पे काट रहा है एवरीबडी प्लीज लेट मी नो कितने yes, लोगों को इंटरसेप्ट yes. एक, एक और सवाल करते हैं और इंटरसेप्ट समझ में आएगा आपको सपोज करो ये मैंने एक लाइन खींची है पहले तो सारे बच्चे मुझे बताओ कि ये लाइन आपको पॉजिटिव स्लोप मान लेते हैं थीटा बराबर पैंतालीस डिग्री सारे बच्चे बताओ तो मुझे बताओ स्लोप की वैल्यू सारे बच्चे कैलकुलेट कैलकुलेट करो पॉजिटिव पॉजिटिव स्लोप 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 है है कि नेगेटिव एवरीबॉडी प्लीज अगर मैंने थीटा की वैल्यू भी दे दी और नब्बे से कम मैं आपको अगली क्लास में ऐसा करूंगा कि टेन की और वैल्यूज भी कुछ सिखा दूंगा चलो ठीक है ना भी सीखे तो चलेगा टेन फोर्टी फाइव डिग्री अगर वन आ जाएगा तो इसका भी स्लोप वन है कि नहीं है यस तो देखो दोनों लाइन का स्लोप तो सेम है लेकिन लाइन अलग अलग जगह से जा रही है अब मुझे बताओ कि ये लाइन वाई एक्सिस पे इस पॉइंट से गुजर रही है ये मान लेता हूं मैं जीरो कोमा माइनस टू है तो मुझे बताइएगा अगर मैं पूछूं कि ये लाइन पॉजिटिव इंटरसेप्ट काट रही है कि नेगेटिव इंटरसेप्ट ने। है इसका बताइएगा नेगेटिव बताइए इसका माइनस टू है कि नहीं है एवरीबडी प्लीज लेट मी नो हाँ कि ना देखो ये कितना आसान अरे बहुत ही बेसिक चीज से पढ़ा रहा हूँ बहुत ही बेसिक इतना बेसिक कभी नहीं पढ़ोगे आप मतलब ग्यारहवीं बारहवीं में इसलिए लेक्चर है इंटरसेप्ट के बारे में भी क्लियर हो गया और स्लोप के बारे में भी क्लियर एक दो दो लाइनें और खींचते आप मुझे करके दिखाओगे ये लाइन वन है एक में दो खींच देता तो हूं मैं लाइन टू है क्वेश्चन थीटा थीटा डिग्री डिग्री है है इसका भी थीटा 135 डिग्री है। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं क्योंकि तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज नहीं पता कई बच्चों को कोई बात नहीं मैं अभी नॉलेज दे दूंगा ट्रिग्नो सिखाई जाएगी आपको टेन थर्टी फाइव की वैल्यू माइनस वन होती है क्वेश्चन अच्छा ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये जीरो कोमा थ्री है ये वाला पॉइंट मेरा जीरो कोमा माइनस फोर है तो क्वेश्चन कैलकुलेट स्लोप एंड इंटरसेप्ट और बोथ लाइंस हाँ बताइएगा सारे बच्चे कर सकते हैं कि नहीं यस यस सर दोनों लाइन लाइन वन के लिए स्लोप क्या होगा माइनस वन माइनस वन थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड यानी माइनस वन होगा कि नहीं लाइन टू के लिए भी स्लोप क्या होगा सारे बच्चे बताइएगा माइनस वन नेगेटिव होगा और अपन तो अब डेटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि स्लोप टेन थीटा होता है और टेन थर्ट मैं ये गिवन है इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया क्योंकि आपको टेन वन थर्टी फाइव को कईयों को निकालना नहीं आता तो कोई बात नहीं मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी अभी माइनस वन लाइन वन का इंटरसेप्ट क्या होगा पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव थ्री है ना क्योंकि वाई एक्सिस पे पॉजिटिव पे कट कर रही है और लाइन टू का इंटरसेप्ट क्या होगा माइनस होगा कितने लोगों को लाइन के स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में बेसिक क्लियर हो गई प्लीज लेट बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं ठीक है क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों को फील ही नहीं आती है लाइन की तो जबकि अभी तो मैं मैथमेटिकली आऊंगा हाँ इक्वेशन बिल्कुल 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 इक्वेशन को इंटरसेप्ट कहते हैं नहीं ये तो इक्वेशन है यार वो तो प्रूव हो सकता है ठीक है क्यों कहते हैं नहीं होता है फिर मैथ्स में मैथ्स में एक वे होता है रिप्रेजेंट करने का ठीक है वैसे आप प्रूव कर सकते हो दो लाइनें लेके उस चीज को ठीक है

पता चले कहीं कोई उल्टी चल रही है ये क्लॉकवाइज एंगल है क्या सर लाइन तो हम नीचे से नहीं देखेंगे अरे एक्स एक्सिस से देखना एंगल स्लोप का एक्स एक्सिस से एंगल देखना एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए यस सर समझ गए यस सर एक्स एक्सिस के पर पे शुरू हो जाना और एंटी क्लॉकवाइज चल देना समझ गए ऐसे। okay, आपको टच मिल जाए एंगल है, okay, sir. एंगल है? ठीक लाइन यही तो कर रहा हूँ क्या कर रहे हो क्या करते हो तुम लोग ठीक है ओके सर बात को समझ के क्या करो यार रट्टा मारने लग जाते हो चीजों में पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में चले जाते हो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन यहां से काम शुरू होगा अपना सारा जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन और और बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं मैं एक फॉर्मेट सिखा रहा हूं तो सबसे ज्यादा काम आता है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी सारे बच्चे लिखो जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन इज वाई इक्वल्स टू एम प्लस सी यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कोफिशियंट ऑफ वाई क्या है वन है कि नहीं है yes, sir. Yes. कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है एम 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 और ये होता है स्लोप ऑफ लाइन क्या है स्लोप ऑफ लाइन और आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है कि नहीं दिख रही है C, that is intercept on y-axis. Intercept on y-axis, ठीक है जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, अब देखो क्वेश्चन अच्छा और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात x की पावर वन है कि नहीं है, है ना देखो और y की पावर भी क्या है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे तो नहीं है ना यार वन है कि नहीं है सारे बच्चे बताओ x की पावर और y की पावर वन है कि वन है कि नहीं है सारे बच्चे बताओ हाँ की ना? है ना और क्या वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या ऐसे एक्स और वाई की कोई टर्म है क्या नहीं है ना अलग अलग इंडिपेंडेंट टर्म है ना कितने लोगों को दिख रहा है कि कितने लोगों को जनरल एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है समझ में आया बोलिए जैसे कि मैं आपसे पूछूं विच अमंग द फॉलोविंग विच अमंग द फॉलोविंग रिप्रेजेंट लाइन इक्वेशन मतलब ये नहीं कि कॉफिशेंट ऑफ वाई मतलब इसमें बने ये ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ये हटा देना एक बार है ना ये मत सोचना कि लाइन की इक्वेशन में वन ही होता है वो मैं बाद में बताऊंगा ये हटा देना वाई का है क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो एक्स की पावर वन होनी चाहिए वाई के साथ हो कुछ भी सकता है जब मैं आपको स्लोप और वो कैलकुलेट कराऊंगा तो कैल्कुलेट करवाऊंगा ठीक है जनरल इक्वेशन ये है वो तो हम डिवाइड कर सकते हैं ना दोनों तरफ चलो तो मुझे बताओ कि विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लाइन इक्वेशन इनमें से कौन लाइन की सही इक्वेशन है ऑप्शन ए या बहुत सारे लिख रहा हूं मैं आपको बस पहचान है y बराबर x स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर x, y क्वाल्स टू, टू x प्लस थ्री, x प्लस y क्वाल्स टू वन, टू y प्लस x क्वाल्स टू माइनस टू, x y प्लस x प्लस y प्लस टू बराबर जीरो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू फाइव वाई क्यू प्लस एक्स बराबर वन एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन थ्री वन पहले तो पहचाने तो सर की लाइन है कौन हाँ की ना पहले पहचानते हैं कि कौन इनमें से जो भी इनमें से जो भी चीज मेरी जर्नल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है वो सारी लाइन है की नहीं देखते हैं सारे बच्चे बताओ मुझे क्या पहले वाली लाइन है no, क्या पहले वाली लाइन है no, sir. No, sir. पहले वाली लाइन नहीं है ना हाईएस्ट डिग्री है ना डिग्री हमारी होनी चाहिए पहली वाली लाइन बिल्कुल नहीं है कितने लोगों को क्लियर ये पहचानो यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्या पहला ये जो इक्वेशन है ये लाइन का इक्वेशन है कि नहीं एवरीबडी प्लीज राइट योर नेम क्या मैंने बोला था कि किस ये मैक्सिमम पावर होनी चाहिए ना मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पावर कितने लोगों को दिख रहा है क्या ये जो मैंने जिसको मैं अंडरलाइन करूँ लाइन की इक्वेशन आपको दिख रही है की नहीं है ये बताऊँ मुझे दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूँ सारी बच्चों के लिए क्या ये लाइन की इक्वेशन है कि नहीं है, है क्योंकि जर्नल इक्वेशन आप ऐसे लिख लो एक ऐसे भी ए एक्स मतलब प्लस वाई मतलब ऐसे भी लिख सकते हो मतलब एक्स की पावर हाईएस्ट डिग्री वन होनी चाहिए okay. क्या ये लाइन की इक्वेशन है कि नहीं है बिल्कुल no, 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 नहीं है ना क्या ये लाइन की इक्वेशन हो सकती है कि नहीं थर्ड yes. yes, 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 हो सकती है कि नहीं सारे बच्चे बताओ मैं उसको एक कर लेता हूं. अच्छा क्या इस अगर अभी मैं बाद में बात करूंगा पहले तो पहचानने की लाइन की इक्वेशन फोर्थ वाली क्या लाइन की इक्वेशन हो सकती है यस 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 सर सर बिल्कुल हो सकती है क्या हम इसको है ना बिल्कुल हो सकती हो सकती सकती है कि नहीं एक्स की पावर वन है वाई की पावर वन है दोनों इंडिपेंडेंट है और जो भी है कितने लोगों को क्लियर है हाउ मेनी ऑफ यू गोर क्लैरिटी बोलिए राइट क्या अगले वाली लाइन की इक्वेशन हो सकती है कि नहीं एक्स की पावर वन वाई की पावर वन और ये सब यस ईमानदारी से बताओ हाँ की राम अगले वाली लाइन की इक्वेशन है कि नहीं है नो 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 सर 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 ये रायता फैलाने के लिए आ गया ना ये क्रॉस ये क्रॉस अगले वाली क्या लाइन की इक्वेशन है क्या बिल्कुल नहीं सर्किल की इक्वेशन बताएंगे अगली वाली लाइन की इक्वेशन है क्या अगले वाली लाइन की इक्वेशन हो सकती है क्या वाई नॉट वाई नॉट मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे हाकि ना कितने लोगों को दिखा बोलो अच्छा आगे बताओ x बराबर टू ये लाइन की इक्वेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है सारे यस yes, यस हो सकती है कई सोच रहे सर वाई नहीं है कोई बात नहीं देखो आप ऐसे करो x बराबर टू का, का, का लाइन खींचनी आती है आपको देखो यस yes, सर x बराबर टू का मतलब x एक्सिस के पैरेलल की y एक्सिस के पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल x एक्स बराबर टू का मतलब वाई की किसी भी वैल्यू पर इसकी वैल्यू टू रहेगी कि नहीं रहेगी सारे बच्चे बताओ है ना yes, sir. तो एक्स की वैल्यू टू कर दी वाई की जो मर्जी वैल्यू ले लो वाई की जो मर्जी वैल्यू ले लो एक्स की वैल्यू क्या फिक्स रखनी है टू तो क्या एक स्ट्रेट लाइन बन गई कि नहीं बन गई सारे बच्चे बताओ एवरीबडी प्लीज लेट मी नो हाँ की ना हाउ मेनी ऑफ यू गोर क्लैरिटी ये x बराबर टू लाइन है कि नहीं है बोलिए यार एवरीबडी yes. yes, yes, है ना और अगर मैं आपसे पूछू y बराबर टू वाई बराबर टू का मतलब x की, एकस की किसी भी वैल्यू टू एक्स एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू प्लस टू है कि नहीं है सारे बच्चे बताओ है ना कि y बराबर टू है नीचे भी जा सकती थी लाइन कितने लोगों को दिख रहा है ईमानदारी से बताओ तो क्या ये x और y में है ना भी अगर हो सीधा केवल तो भी वो इक्वेशन है कि नहीं है एवरीबडी प्लीज ये लाइन है कि नहीं है यस ये भी एक लाइन की इक्वेशन है कि नहीं है बोलते रहिएगा सारे बच्चे Yes, ना ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं पूछू एक्स प्लस वाई बराबर जीरो लाइन की इक्वेशन है कि नहीं है यस 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 सर सर इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा देखेंगे ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है ये बातें कराऊंगा टेंशन ना लो मैं सारी तो कितने लोग लाइन की इक्वेशन एक लेवल पे पहचानने लग गए अभी अभी तो बहुत सारी बातें करवाऊंगा अभी तो है ना कितने लोग लाइन की इक्वेशन एक लेवल पे पहचानने लग गए कि यार अगर कोई एक्स और वाई में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें दिया हो तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये लाइन है कि नहीं है वो क्या है अभी ये नहीं लाइन है कि नहीं है कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है प्लीज राइट सी सी इन द चैट बॉक्स कितने लोगों को क्लियर है ईमानदारी से बताइएगा कि अगर आपको एक्स और वाई में कोई ऐसे मैथमेटिकल रिलेशन दे रखा हो तो क्या आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो एक लाइन है कि नहीं है वो क्या है ये नहीं कह रहा हूं मैं वो हाइपर बोला है कि पैरा बोला है कि इलेप्स है वो मैं नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ वो लाइन है कि नहीं आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे सारे बच्चे बताइएगा हाँ कि ना चलिए yes. तो बस अगली क्लास में हम अभी लाइन पे इक्वेशन को करेंगे एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइन पे ही मैं सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगा है ना हाइपरबोला और वो तो सिर्फ एक ही जगह काम आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो तो बता दूंगा पैराबोला भी आपके फिजिक्स में ज्यादा काम आता है वो भी चलो बता दूंगा बट मेनली मेरा फोकस लाइन के इक्वेशन पे रहेगा क्योंकि लाइन की इक्वेशन आपके बहुत जगह काम आती है केमिस्ट्री में फिजिक्स में और भर भर के काम आती है और मैथ्स वालों के तो मैथ्स में आएगी आएगी मैथ्स वालों के लिए तो बहुत लड्डू वाली चीजें हैं सारी ठीक है चलिए तो अगली क्लास में मैं यहीं से स्टार्टिंग करूंगा अगले वीक में हमारी होगी आप सारा ये सारा आराम से समझना और अपन बात करेंगे चलिए ओके गाइज विल सी यू नेक्स्ट वीक इस वीक में हमारी एक ही क्लास है और अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्लीज डोंट मिस इट मैं फिर बता रहा हूं, ग्राफ बच्चों को सबसे ज्यादा डराते हैं और ग्राफ सबसे आसान होते हैं मेरे ख्याल से ग्राफ से आसान कुछ भी नहीं है और अभी तो मैं आपको सारे flow, flow इन सब के ग्राफ सिखाऊंगा जो मैंने पढ़ाया है इसलिए मैं ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो बड़ा मजा आने वाला है कि कैसे देखना होता है और कितना आसान होता है ग्राफ बनाना ठीक है चलिए ओके विल सी यू नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास टेक केयर थैंक यू सर थैंक यू Thank, Thank you. sir. Thank you, sir.